अस्सलाम टू स्टूडेंट्स, आई एम निम्रा आरिफ। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9, ट्रांसफर ऑफ हीट। और आज हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स के और कंडक्टर्स के यूजेस कौन कौन से हैं? सबसे पहले यूजेस ऑफ इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स हमने कहा था, इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें से हीट या इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं हो सकती। ईजिली क्या हो ही नहीं सकती, उनको हम नाम देते हैं इंसुलेटर्स का। होम्स में, घरों में इंसुलेटर्स के क्या क्या यूजेज हैं? इंसुलेटर्स और बेड कंडक्टर्स आर यूज इन होम्स यूटेंसिल्स सच एज हैंडल्स ऑफ सॉसपैन, सॉसपैन्स हैं, हॉट प्लेट्स हैं या स्पून्स हैं। उनके हैंडल्स हम किससे बनाते हैं? इंसुलेटर से बनाते हैं। या तो वो प्लास्टिक के बने हो सकते हैं या फिर लकड़ी के बने हो सकते हैं, ताकि हीट से हमारे हाथ जो हैं, अगर हमने हॉट प्लेट्स को पकड़ा है हैंडल से, या सॉस पैन को पकड़ा हुआ है, या स्पून से पकड़ा हुआ है, तो उससे हमारे हाथ ना जल जाए। ठीक है, क्योंकि सॉस पैन या हॉट प्लेट्स जो होते हैं वो मेटल के बने होते हैं, क्योंकि खाना बनाने के लिए क्विक ट्रांसफर ऑफ हीट ज़रूरी है। ठीक है, तो वो मेटल के बने होते हैं, लेकिन उनके जो हैंडल्स होते हैं वो हम किसके बनाते हैं? प्लास्टिक और लकड़ी के बनाते हैं, ताकि उसे हमारे हाथ ना जल सके। सेकेंड है, एयर इज बेस्ट इंसुलेटर। एयर इज वन ऑफ द बेस्ट इंसुलेटर और बेस्ट कंडक्टर, बैड कंडक्टर। That is why wall cavities, that is two walls separated by an air space or double glazed window, keep the houses warm in winter or cool in summer. इसको हम डिस्कस करते हैं डायग्राम से। ये हमारे पास है डबल ग्लेस विंडो। ठीक है, यहाँ पर एक ग्लास है और उसके साथ दूसरा ग्लास है, और यहाँ पर वो क्या करते हैं, उसके अंदर जो स्पेस होती है उस स्पेस को फिल नहीं करते, बल्कि एयर क्या करती है, स्पेस को फिल करती है। एयर चूंकि क्या है, बैड कंडक्टर है, तो ये क्या करती है, ना तो बाहर से हीट को अंदर आने देती है और ना ही बाहर से सर्दी को अंदर आने देती है। इस तरह से क्या रहते हैं, रूम जो है वो गर्मियों में क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, और सर्दियों में वो क्या रहेगा, गर्म रहेगा। इसी तरह से टू वॉल कैविटीज, दो दीवारों के दरमियान जो कैविटी होती है, खाली जगह होती है, वो उसे क्या करते हैं, या तो किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से फिल कर देते हैं, मतलब प्लास्टिक हो गई है, फोम हो गई है, उससे फिल करेंगे, या फिर उसको ऐसी खाली छोड़ देते हैं कि वो जो कैविटी है वो एयर उसे क्या कर देती है, फिल कर देती है। ठीक है, तो एयर क्या है, बैड इंसुलेटर है, वही इफेक्ट होगा जो डबल ग्लेस विंडो का है, कि वो घर को सर्दियों में क्या रखेगी, गर्म, और गर्मियों में क्या रखती है, सर्द रखती है। एयर ट्रैप मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें एयर ट्रैप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मटेरियल्स विच ट्रैप एयर, कौन से हैं, वूल है, फेल्ट है, फर है, फीदर्स हैं, पॉलीस्टायरीन है, फाइबर ग्लास है, आर आल्सो बैड कंडक्टर्स। ये सब के सभी क्या हैं, बैड कंडक्टर्स हैं। सम ऑफ दीज मटीरियल्स आर यूज फॉर लेगिंग टू इंसुलेट वाटर पाइप्स, हॉट वाटर सिलेंडर, ओवंस, रेफ्रिजरेटर, वॉल्स एंड रूफ ऑफ हाउसेस। इन मटेरियल्स को हम हॉट वाटर सिलेंडर्स के या वाटर पाइप्स की लेगिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमारे पास अगर वाटर टैंक है, ठीक है, तो उस टैंक के बाहर हम क्या करते हैं, फोम की लेगिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से हीट जो है वो अंदर तक नहीं जा सकती। अगर अंदर का पानी ठंडा है तो वो ठंडा रहेगा, अगर गर्म है तो वह गर्म ही रहेगा। वुलन क्लोथ, जो हम सर्दियों में कपड़े पहनते हैं, वूल के बने हुए होते हैं, वो हमें, उनमें क्या होती है, एयर ट्रैप हो जाती है। ठीक है, एयर ट्रैप होने की वजह से जो सर्दी है वो हम तक नहीं पहुँच सकती, तो हम जो है सर्दियों में गर्म रहते हैं एयर ट्रैप मटीरियल्स की वजह से। नेक्स्ट है, मेजर्स टू लोअर कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन हाउसेज। ऐसे कौन कौन से काम करें हम, जिसकी वजह से हाउसेज में जो फ्यूल का या एनर्जी का कंजप्शन है वो कम से कम हो। नंबर वन, सबसे पहले, इन हाउसेज गुड थर्मल इंसुलेशन मीन्स, अगर थर्मल इंसुलेशन हमने अच्छी की हुई है तो इसका मतलब क्या है, फ्यूल का कंजप्शन, फ्यूल का इस्तेमाल क्या होगा, कम से कम होगा। जब फ्यूल का इस्तेमाल कम से कम होगा तो इसे हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। एग्जाम्पल, पहले फर्स्ट पॉइंट है, हॉट वाटर टैंक्स आर इंसुलेटेड बाय प्लास्टिक और फोम लेगिंग। हॉट वाटर जो टैंक्स होते हैं, गर्म पानी के जो टैंक होंगे, उनको हम इंसुलेट कर देंगे, उनके बाहर हम क्या लगाएंगे, प्लास्टिक से या फोम की लेगिंग कर देंगे, ताकि हीट जो है अंदर से बाहर की तरफ ना निकल सके और पानी ज़्यादा टाइम तक गर्म रहे। जब पानी ज़्यादा टाइम तक गर्म रहेगा तो उससे होगा क्या कि दोबारा उसे गर्म करने की ज़रूरत नहीं होगी और फ्यूल हमारा बच जाएगा। नंबर टू, वॉल कैविटीज आर फिल्ड विद प्लास्टिक, फोम,
वूल या फिर एयर, अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि दीवारों के दरमियान जो कैविटीज होती हैं उनको हम प्लास्टिक फॉर्म या वूल से क्या कर दें, बंद कर दें, ताकि एयर वो गर्मी ना अंदर आ सके और ना ही वो बाहर जा सके। सीलिंग ऑफ रूम इज कवर्ड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल। हम क्या करते हैं आजकल, घरों की छतें बनाते हैं और वो किससे बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल में भी बनी हुई है। तो इससे होता क्या है, एक तो खूबसूरती, ठीक है, कि रूम जो है या फिर घर जो है वो उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आता है, डेकोरेशन काफी अच्छी हो जाती है छतों की, और उसके साथ साथ ऊपर से आने वाले जो हीट है, छत से जो हीट आ रही है वो उसको वहीं पर रोक लेती है, अंदर हीट आने नहीं देती है, तो जिसकी वजह से सर्दियों में रूम क्या रहेगा, गर्म, और गर्मियों में वो क्या रहते हैं, ठंडे रहते हैं। नंबर 4, डबल ग्लेस विंडो पैन आर यूज। अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि डबल ग्लेस विंडो हम करते हैं, दीज विंडो पैन हैव एयर बिटवीन ग्लास शीट, दो ग्लास शीट के दरमियान एयर होती है, दैट प्रोवाइड गुड इंसुलेशन, और एयर क्या है, बैड कंडक्टर है, और ये भी बहुत अच्छे इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। गुड कंडक्टर्स आर, अब नेक्स्ट है यूजेज ऑफ कंडक्टर्स, हम कंडक्टर्स को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। पहले तो हमने पढ़ लिया है यूज ऑफ बैड कंडक्टर्स, अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स आर यूज्ड व्हेन क्विक ट्रांसफर ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड थ्रू आवर बॉडी। जहां पर भी क्विक ट्रांसफर ऑफ हीट होगा या इलेक्ट्रिसिटी होगा वहां पर हम किस चीज का यूज करेंगे, कंडक्टर्स का यूज करेंगे, वहां पे हम प्लास्टिक का, वुड का या फोम का, इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, कुकर्स हो गए हैं, ठीक है, कुकिंग प्लेट्स हो गई हैं, बॉयलर्स हो गए हैं, या रेडिएटर्स हो गए हैं, कंडेंसर हो गए हैं रेफ्रिजरेटर्स के, रेडिएटर्स जो हीट को जल्दी से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, कंडेंसर जो है, ठीक है, ये किसके बनाते हैं, हम मेटल के बनाते हैं, सच एज एलुमिनियम और कॉपर। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था चैप्टर नंबर 9 में कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर्स हैं हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी। अगर हमने खाना बनाना हो, ठीक है, तो खाना बनाने के लिए जो जो भी बर्तन होंगे वो किस चीज़ के बने होंगे, मेटल के बने होंगे, ताकि हीट जो है वो जल्दी से ट्रांसफर हो और खाना जो है वो जल्दी से बन जाए। इसी तरह से मेटल बॉक्सेस जो हैं वो भी हम किस, मेटल बॉक्सेस आर यूज फॉर मेकिंग आइस। अगर हमने बर्फ बनानी है उसके लिए भी हम मेटल के बॉक्सेस इस्तेमाल करते हैं, अगर हमने आइसक्रीम बनानी है तो उसके लिए भी हम किसके इस्तेमाल करते हैं, बॉक्सेस, मेटल के। तो कंडक्टर का यूज हम वहां पर करते हैं जहाँ पे हीट का क्विक ट्रांसफर करना हो, और इंसुलेटर्स का इस्तेमाल हम वहां पर करेंगे जहाँ पर हीट को गुजरने से रोकना होगा। ये थे हमारे पास कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के यूजेस। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कन्वेक्शन के, हीट कन्वेक्शन के मेथड के जरिए एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से ट्रांसफर होती है, और फिर आगे उसके यूजेस वगैरह जो कुछ भी होगा उसको हम डिस्कस करेंगे।